और जाते होंगे और मेरी बात भी आए होंगे कभी लाइट वगैरह चली जाती है तो लाइट तो जाती ही जाती है, मोमिन की विदाई भी खत्म हो जाती है। जबकि मामले इसके बराबर है, अगर मोमिन बेदार रहे तो न लाइट की जरूरत है न लाउडस्पीकर की जरूरत है। पढ़ने वाला कोई भी हो, खासकर हो जवान हो बुजुर्ग हो, मिंबर के आने के बाद वो जिक्र एनर्जाइजर हारा जैसा को सलाम कर रहा है, खिताबत की शक्ल में भी और शायरी की शक्ल में भी। जिक्र एनर्जाइजर सुनने के बाद अगर मैट्रिक में खामोशी हाजिर हो जाए तो फिर सारा चीज होता है। आपको अपने हजार के लिए खुदूर बुलाई कि जो खामोशी का माहौल है बेदार बनाने के लिए इस बार आवाज है। इस वक्त मैं हासिल हुआ हूं इसलिए इंतजाई बदले में कमजिल बताया जो है पांच शताब्दी होने में नजर आ रहे हैं, पेश करने जा रहे हैं कर रहे हैं। अब एक ऐसी शख्सियत को मैं दावा देने जा रहा हूं जिनके बारे में अगर मैं ताल्लुक कराना चाहूं तो मैं ताल्लुक नहीं करा सकता। कुछ वजह यह है कि मुमकिन है कि मैं ताल्लुक की जुमलों में जो कुछ कहूं मुझे अपनी मुख्तर समझ कम हो सकता है और उसकी शख्सियत बहुत गलत है, शख्सियत है। इंसान में उसकी जो ताल्लुक है वो खुद अपने आप ही होता है। इंसान का ताल्लुक है उसकी जवाब का ताल्लुक, उसका लहजा उसका ताल्लुक, उसकी गुफ्तगु उसका ताल्लुक, लफ्जों का इंतखाब उसका ताल्लुक, अंदाज बयान उसका ताल्लुक, शायरी की नहीं उसका ताल्लुक, लफ्जों के इंतखाब का कारण, ये सारी चीजें वो है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज उसका अपना तारुफ है। ये सारी चीजें वो है जो अपना तारुफ खुद पेश करता है। एक शख्स एक शख्स अपने आप में सिर्फ शख्सियत ज्यादा है लेकिन जब कांग्रेस में जाता है, जब कौम की खिदमत करने लगता है, जब मजहबी उमूर के साथ साथ बुनियादी उमूर में भी कदर करता है और बल्कि चीजों को तय करता हुआ पहुंच जाता है तो वो शख्स अपने आप में शख्स नहीं रह जाता बल्कि शख्सियत बन जाता है। ऐसी एक बात हमारी बैठक में होती है जो आज की मुकदस और बुरानी जश्न की स्थापना करने के लिए निश्चित करवा रहे सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं बैठक है उनकी जात बल्कि हिंदुस्तान के बाहर की उन्होंने अपनी इल्म अपनी काबिलियत का मुजाहरा किया है। मलेशिया में की यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है अगर डिपार्टमेंट होना बहुत बड़ी बात है। मलेशिया से निकलकर हिंदुस्तान के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इन तमाम जगहों पर अपनी एक पहचान बनाने के बावजूद सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हेड ऑफिसर डिपार्टमेंट होना जब यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। दो लफ्जों में बात को समेटते हुए मैं ये गुजारिश कर दूं ताकि जो खामोशी जो सुन रहे हैं उनकी खामोशी को खत्म हो जाए और मेरी बात भी आकर पहुंच जाए कि पर मैं मेरे कश्तूरी में गंजी नहीं दर्द दिखती थी, मेरे कश्कोर में गंजी ने दर देखेगी, अब ये दुनिया मेरे लहजे का हुनर देखेगी, मेरे कश्कोर में गंजी ने दर देखेगी, मेरे कश्कोर में गंजी ने दर देखेगी, अब ये दुनिया
मेरे रहने का हुनर देखे भी मुझको छू सकती नहीं है कोई जूता नजर, मुझको छू सकती नहीं है कोई जूता नजर, मुझको देखेगी तो शायस्ता नजर देखेगी, मुझको छू सकती नहीं है कोई जूता नजर, मुझको देखेगी तो शायस्ता नजर देखेगी। हकीकत यह है कि जो भी मैंने अर्ज किया वो बहुत ही कम है, जुमले कम पड़ गए लेकिन साथ बहुत बड़ी बात है। प्रोफेसर अली हसन रिजवी साहब का हमारे तशरीफ फरमा है, आज अपनी मैट्रिक को खिताब फरमाएंगे। मैं उनकी खिदमत में मौजूदा इंतजार कर रहा हूँ कि तशरीफ आए और आज की मैट्रिक को खिताब फरमाए। आप आदत का नाम देते हैं।
से पैदा हुए और एक साल गुजर जाने के बाद उसी महीने से मेरा गुजर हुआ, मैंने देखा एक घर में बड़े एहतमाम के साथ जश्न विरासत मनाया जा रहा है और दूसरे महीने में भी विरासत हुई थी एक साल पहले आज ही के दिन वहां सुकूत और सन्नाटा। मैं परेशान हो गया, खबरें तो दो विरासतों की आई थी, जश्न ये एक घर क्यों हो रहा है। मैं परेशान हुआ, मैंने पूछा पड़ोस के लोगों से, मालूम हुआ जहां सुकून है सन्नाटा है वहां का बच्चा रुखसत हो गया। जहां जश्न विलादत हो रहा है बच्चा बाहयात है, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। आप समझे, जश्न विलादत वहां मनाया जाता है जहां हालात के आधार पाए जाते हैं। बहुत हिम्मत की शहादत और सहनी के मुकाबले में आने की बड़ी हिम्मत करता थी तो शहादतें मनाई जाने लगी। बड़ी अहम बात है जो शहादतें मनाई जाने लगी, पहले साहब की भी, दूसरे साहब की भी, तीसरे साहब की भी, जो में शहादत मनाया जाने लगा हिम्मत में बन लगी। कभी सुना आपने जश्न विदायत भी तो मनाना चाहिए? नहीं नहीं, वो तो पहले ही मालूम हो गया, जहां हजार के आकार होते हैं वहां जश्न विदायत पाया जाता है। मैं जश्न शहादत को नफ्स जायको तो मौत है, तो कोई ना कोई तो मरे ही जा रहा है। अब कैसी शहादत हो, क्या शहादत है वो अलग दे सकता है, मगर शहादत से मौत का पता चलता है, जश्न विरासत से हलाक का पता चलता है। इसीलिए आप देख रहे हैं हम जश्न मनाते हैं। 17 अरब के लोगों आ जाए तो जश्न, 13 रजब आ जाए तो जश्न, 3 शाबान आ जाए तो जश्न, 20 जनवरी सामने आ जाए तो जश्न। क्या मकसद है? मकसद यह है कि बताते हैं ये है, थे नहीं है। और फिर जश्न विरासत की मुबारकबादियों को अगर आप देखें सिलसिले को, हमारे और आपके माशरे में जो होता है, दादी और दादा को और माँ और बाप को बच्चों के मुबारकबाद दी जाती है जश्न विरासत की। कहीं भी आपको सुना होगा दादा की जश्न विरासत फोटो को दी जा रही है। एक ही कारण वाला है, हम इतना करते हैं तो यहां से आइए हम सब उस प्रसन्न फातिमा को उनके जत्न मान्यता के जश्न विरासत के ये हत्या तवरीज पेश करते हैं। अरे फरजंद फातिमा को उसके जद्दे मर्यादा के लिए ये सबूत है इस बात का, वो भी जिंदा है और ये भी जिंदा है। रूप भाई मोहम्मद यहां बेटा, हम बाहयात रहने वाले अपनी अपनी जिंदगियों के हर साल को जश्न में बदल दिया करते हैं, हर साल को जश्न में बदल दिया करते हैं, जाने लगते हैं तो अपना बदल छोड़ के जाते हैं। रूप मोहम्मद जब जाने लगते हैं तो अपना बदल छोड़ के जाते हैं ताकि अब वो जश्न की जिम्मेदारी आगे दर्जा बुलंद करे इस पानी बैठे के 59 साल पहले उसने इसकी बुनियाद रखी और ये जो नजर गुजर रही है वो आज 59वां जश्न विरासत मासूम है कम है मना रही है। गुरु
प्रधानमंत्री उनके दरबार को ग्रंथ दे रहे हैं और आज से भी जितने मार रहे एक बार सूर्य अन्न पढ़कर तीन बार सूर्य हाथ पढ़कर उनके रोगी का पास आगे चल
करके इसी सूरह बकरा में हिदायत की कि देखो जब हम तुम्हें ये नेमत दे दें, अमान नेमत है और रात भर का हद भी, तो देखो तुम उसका तस्करा करते रहना, उसकी बातें करते रहना, जब ये नेमत अता कर दें उम्मत मुस्लिमा से पूछिए कुरान मजीद की वो कौन सी सूरह है, किस शय को अल्लाह ने कहा ए मेरे हबीब हमने तुमको अता किया, एक ही बदला मिलता है इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुमको अता किया, वो देना था मुस्तकबिल का, बरसों पर मुस्तकबिल में अता करेंगे जो दीना, ये देना है माजी का इन्ना आतैना का हमने कर दिया, तलाश करें तो क्या इस मुस्तकबिल और इस माजी के बीच में क्या हुआ, रसूल को वो कौन सी नेमत मिली जो उससे अता कर रहा है, एक ही नेमत मिली है जिसका नाम है कौसर। अलावा हजर ने अपनी तहरीर की में सराहते बोला था नतीशा समझा कि कौसर से हुआ वो हौजे कौसर है जिसकी जो हुजूर ने फरमाया ए अली तुम और तुम्हारे दोस्त हौजे कौसर पर नूरानी शक्ल में हाजिर होंगे। बात यहां खत्म करने की जरूरत तो स्वर्ण बात का आती आगे बात कहा इन्नहु अमलुन गैरो साले पर होता है अहलियत की बुनियाद हके नजर नहीं है अमल साले है। अब समझे जो अब तक कहा मुमीरा इतने अफनस को तुझे मतलब हो कि उसकी नस्ल है या नहीं, लोग कहते हैं बड़ी उमजा इतने सौ बरस तक जिंदा रही, अरे मसला उसके जिंदगी का नहीं है, अब तक वो थे क्यों थे कुरान मजीद से पूछो, जो हमारे साले न करे दूर की इंटीजेंट से खारिज कर दिया जाता है, अमल का साले होना ना होना वो बुनियाद है कबूलियत की, लिहाजा अब तबीयत की दास्तान बूझे को और तुम्हारे सामने आ जाएगा कि कौशल की अहमियत क्या है। गुरु गुरु मोहम्मद आलमत बस जानकारी आखिर कलाम में ये सैदानी ऐसी सैदानी की जिसके ऊपर जितना ना फख्र होगा हाथ किया जाए वो कम है, जितना ना फख्र होगा हाथ किया जाए इस सैयद आलमियान के लिए वो कम है, हर तरह से ज्यादत इसके वजूद में अदा की, ये वो नहीं है जिसको मनसब पता करके वो धर्म मनाया जाए, इसको पैदा किया अल्लाह ने अजीब मनसबों के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए मुस्तकबिल, जहां रिसालत मुनकदा हो रही हो इमामत शुरू होने वाली हो एक नुक्ते इत्तेहाद होना चाहिए जो उधर से भी मुंतमी हो इधर से भी मुंतमी हो, उसी का नाम है कौसर जरावे फातिमा लहरत वल्लाह ज्यादा देखते रहोगे सिर्फ और सिर्फ एक तारीख देख लो रसूल को अब तक कहने का आगाज कर हुआ और रसूल को अब तक कहने का इख्तिताम कहा हुआ, एक बहुत बड़ी हमने कहा इस्लाम बाज हो जाएगी अजाने रानी जब रसूल के बच्चों का इंतकाल होने लगा एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा, तो दुश्मन थे उन्होंने अब तक कहना शुरू किया तू घर से नाजिल हुआ सूरह कौसर और उसके बाद ये सिलसिला बंद। अब आगे और फिर बात यह है कि अगर रसूल की तीन बेटियां मौजूद थी
तो ये कहना शुरू कब हुआ और खत्म कब हुआ, न तो शुरू होना चाहिए था और न एक बेटी के आचार्य के पास बंद होना चाहिए था। भाई अगर बेटियां थी तो रसूल असर नहीं था, और अगर बेटियों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो असर कहना क्यों बंद कर दिया। मालूम हुआ कि ये तीन बेटियां रसूल की नहीं थी इसलिए असर कहा, और ये एक बेटी आ गई इसलिए असर कहना बंद कर दिया। और तरीके का आहार लोगो अंजाम लोगो पता चल जाएगा रसूल की औलादे तीन बेटियां थी या नहीं। जनाबे खदीजा और उनकी बहन जनाबे हाजा के बेटियां थी जैनब उम्मे कुलसूम, ये इनकी बेटियां हैं, रसूल की बेटियां नहीं है। ये तो रसूल की बेटी अगर बेटों का अगर होता रिवाज का तो अजीजा निगरानी ऐसे ही सूरह कौसर की तरह ना मालूम कितने सौ सूरे याद कर लिए जाते मगर सूरे न याद किए जा सके। ये इस बात का वाले सबूत है एक बेटी थी और एक बेटी है, और जो बेटी है मैंने अर्ज किया था हयात की निशानी है जश्न फातिमा का मनाया जाना। Thank you.